छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री शेखर दत्त जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, विद्युत मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कृषि राज्य मंत्री श्री चरणदास महंत जी, भाइयों और बहनों, आज यहाँ छत्तीसगढ़ में NTPC सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करना मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। ये पावर स्टेशन 13,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और इसके द्वारा उत्पादित की जा रही 2,980 मेगावाट बिजली की आपूर्ति न सिर्फ छत्तीसगढ़ को बल्कि पश्चिमी भारत के कई राज्यों और जम्मू और कश्मीर को भी की जा रही है। आज ही के मौके पर राजगढ़ में NTPC के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले फेज की आधारशिला भी रखी गई है। लारा प्रोजेक्ट की कुल स्थापित क्षमता 4,000 मेगावाट होगी। इससे प्राप्त होने वाले कुल बिजली का 50% भाग छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। मुझे बताया गया है कि पहले फेज के लिए NTPC ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी है। हमारे देश के तेज आर्थिक विकास के लिए वाजिब दामों पर बिजली की पर्याप्त उपलब्धता बेहद जरूरी है, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग या सर्विसेज सेक्टर। बिना बिजली के अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र मजबूत नहीं बन सकता। हालांकि सीपत और लारा पावर प्लांट से देश के अन्य हिस्सों में भी बिजली की आपूर्ति की जाएगी, लेकिन इनका खास फायदा आपके सुंदर राज्य छत्तीसगढ़ को मिलेगा। सीपत और लारा पावर स्टेशन की बदौलत बड़ी मात्रा में बिजली मिलने के अलावा राज्य सरकार को इनसे अब आमदनी भी होगी, जिसे वो विकास के कामों में लगा सकते हैं। मेरा मानना है कि बिलासपुर और रायगढ़ जिलों की जनता को इन दो पावर स्टेशन से सबसे अधिक लाभ हो, विशेष रूप से रोजगार के नए नए अवसर पैदा होने के जरिए। मैं आज के मौके पर केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी टीम और NTPC के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ। NTPC हमारे देश की महारत्न कंपनियों में से एक और राष्ट्र निर्माण के काम में बहुत बड़ा योगदान दे रही है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में काम करके NTPC ने जो कामयाबियां हासिल की हैं वो तारीफ के काबिल। मुझे पूरा यकीन है कि लारा प्लांट को बनाने में भी NTPC को वो सफलता मिलेगी जो उसे सीपत में मिली। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल राज्य। हमारी सरकार जानती है कि इस राज्य में विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमने बराबर ये कोशिश की है कि विकास की इस क्षमता का पूरा फायदा यहाँ की जनता को मिल सके। मैं NTPC की मिसाल देना चाहूँगा।
जिसका छत्तीसगढ़ के साथ बहुत पुराना और गहरा रिश्ता था। छत्तीसगढ़ ने बिजली उत्पादन की मौजूदा क्षमता में से NTPC का हिस्सा 1/3 से भी ज़्यादा। ये कंपनी राज्य में लगभग 17,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी और भविष्य में लगभग 23,000 करोड़ रुपए का और निवेश करने की योजना बनाई है। जैसा आप सब जानते हैं, कोरबा को छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी माना जाता। कोरबा में अधिकतर बिजली उत्पादन NTPC द्वारा ही किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि NTPC ने राज्य में अपनी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के तहत कोरबा के पास पाली के ITI और रायगढ़ के पास कसौल के ITI को अपनी देखरेख में ले लिया। बलूदा, सीपत और कोरबा में भी NTPC की नई ITI स्थापित करने की योजना। इसके अलावा NTPC रायपुर में भारतीय सूचना तकनीक संस्थान की स्थापना, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के निर्माण और कोरबा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण में भी सहायता करेगी। मुझे ये भी बताया गया है कि NTPC ने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए। इन तमाम कदमों से इस क्षेत्र की प्रगति में मदद मिलेगी। मैं इन तमाम कामों के लिए NTPC को हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पर देश में बिजली के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने की भरपूर कोशिशें की। 11वीं योजना में देश में उत्पादन क्षमता में 55,000 करोड़ MW की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जो 10वीं योजना के दौरान हुई बढ़ोतरी से दुगनी से भी ज़्यादा। NTPC ने इस कोशिश में 9,500 MW से ज़्यादा का योगदान दिया। 12वीं योजना के दौरान हमारा लक्ष्य है कि हम देश में लगभग 1,18,000 करोड़ MW बिजली उत्पादन की नई क्षमता पैदा करें। बिजली उत्पादन की लागत को कम रखने और उससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के सातों सामान के उत्पादन को आसान बनाने का काम भी शुरू किया है। इसकी वजह से दुनिया की सभी बड़ी बिजली कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी वाले प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर की है। हमने ये शर्त रखी है कि सुपर क्रिटिकल इकाइयों को भारत में ही तैयार किया जाए और टेंडर में सफल होने वाली कंपनियां पूरे तौर पर टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनियों को सौंप। विद्युत मंत्रालय ने सुपर क्रिटिकल यूनिट्स स्थापित करने के लिए बल्क टेंडरिंग की कार्रवाई भी शुरू कर दी। लारा में 800 MW की इकाइयाँ इसी प्रक्रिया के जरिए लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से इस परियोजना की लागत को कम रखने में बहुत सहायता मिलेगी। 13वीं पंचवर्षीय योजना से भारत में सिर्फ सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर आधारित प्लांट ही लगाए जाएंगे। अपने बिजली के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अलावा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार करने, बिजली के लिए ईंधन की आपूर्ति को पक्का करने
और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कई कदम उठाए। हमारा मकसद यह है कि हम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि बिजली का क्षेत्र भविष्य में भी विकास करता रहेगा। अब बिजली क्षेत्र से संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट में पहले से ज़्यादा निवेश हो रहा है। मुझे खुशी है कि NTPC भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंदिरा गांधी सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च एक साथ मिलकर एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए काम कर रहे। इससे हम भविष्य में ज़्यादा बेहतर पावर प्लांट लगा सकें। भाई और बहनों, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमने इस पावर प्लांट का नाम राजीव गांधी सीपर थर्मल पावर स्टेशन रखने का फैसला किया। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार की बराबर ये कोशिश रहेगी कि ऐसे और भी प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में लागू हो जिनसे इस प्रांत के लोगों की खुशहाली और समृद्धि और बढ़े। मैं NTPC को भी भविष्य में नई सफलताओं के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।